हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा चौहान पंचकुला में पहुंची। सुमित्रा चौहान ने मीनाक्षी शर्मा को प्रदेश महिला कांग्रेस के महासचिव पद पर नियुक्त किया। इस अवसर पर सुमित्रा चौहान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी द्वारा महिला कांग्रेस में महिलाओं की नियुक्ति की जा रही है। साथ ही सुमित्रा चौहान ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बीजेपी सरकार पूर्णतः फेल है और बेटियों की सुरक्षा, महंगाई, बेरोजगारी सहित तमाम मुद्दों पर भी फेल है। मीनाक्षी शर्मा हैं जो मेरे साथ बैठी हुई हैं। मीनाक्षी जी को हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस में महासचिव नियुक्त किया है। मीनाक्षी अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़कर पार्टी के लगातार 20 सालों से काम कर रही है। पूरा परिवार लगातार राजनीति में इसके लिए रहा है। मैं बधाई देने आई हूँ और इनके कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए आई हूँ। भविष्य में राजनीति में आगे तरक्की करें, लेकिन आज सबसे बड़ी जरूरत कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को उठने की इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्णतः फेल है। बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकती, महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, बेरोजगार बच्चों को नौकरियां नहीं दे सकती, तमाम मुद्दों पर फेल है। 2019 में ये हरियाणा की नहीं पूरे देश की आधी आबादी भारतीय जनता पार्टी को बताएगी कि आपने जो इस देश और प्रदेश के साथ झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करके राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। साथ ही सुमित्रा चौहान ने भी कहा कि 2019 के चुनाव में भारत की जनता बीजेपी के झूठ का पर्दाफाश कर राहुल गांधी की सरकार बनाएंगी। जब से बीजेपी की सरकार केंद्र व हरियाणा में आई है तब से रेप पीड़ितों के केस दर्ज तक नहीं होते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को 50% टिकट दिलवाना ही उनका लक्ष्य है। पंचकुला से उमंग श्योराण, पंजाब केसरी टीवी।